न्यायिक हिरासत में भी रहे, क्या कहेंगे आप? विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा और पीटा। जैसे ही मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी, वैसे ही पूरी की पूरी पार्टी के लीडरशिप और रिसोर्सेज को मेरे खिलाफ उतारा गया। हर दिन मेरी विक्टिम शेमिंग कराई गई, चरित्र हरण किया गया, बार बार किया गया, और यहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी खुद विभव कुमार के साथ कभी लखनऊ में कभी अमृतसर गए। जैसे ही विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया, अरविंद केजरीवाल जी और पूरी पार्टी की लीडरशिप ने सड़कों पर उतर के उसके अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एक ऐसा पेंट करने की कोशिश की गई कि वो तो हीरो है और मैं विलन हूं। आज इस पूरी लड़ाई में मुझे अकेला छोड़ दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि मैंने विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी है। ये लड़ाई मैं अकेले लड़ रही हूं, लेकिन अंत तक लड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने बोला है वो पूरा का पूरा सच है। इस लड़ाई में मेरी आशा सिर्फ और सिर्फ न्यायालय से ही है, न्याय के लिए। प्रकरण में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रवैया देखा आपने, क्या कहेंगे? क्योंकि आप हमेशा से उनको आदर्श मानती थी, उनकी फॉलो करती थी, अब क्या कहेंगे? मैं अरविंद केजरीवाल जी के बर्ताव से बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार ट्रॉमा में है, क्योंकि मैं 2006 से काम कर रही हूँ। मैं तब से काम कर रही हूँ जब कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं थी, तब दो राज्यों में सरकारें नहीं थी। मैं तब से शिद्दत से, निस्वार्थ तरीके से, बहुत मेहनत से और ईमानदारी से काम करती आई हूँ। पर सच तो ये है कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में जब बुरी तरीके से लात घूसों और थप्पड़ों से मारा पीटा जा रहा था, तब वो नहीं आए मुझे बचाने के लिए। कोई भी नहीं आया मुझे बचाने के लिए, और एक आउट ऑफ कोर्ट ट्रायल कर दिया गया जिसमें मुझे दोषी करार कर दिया गया। आज तक उन्होंने ना तो मुझे कोई फ़ोन किया, ना वो मुझसे मिलने आए, और कहीं भी उन्होंने मेरा सहयोग नहीं करा। पूरी की पूरी पार्टी और वो विभव कुमार के इस वक्त साथ खड़े हैं। तो ऐसे में मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो कि हर मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं, उन्होंने मेरे मुद्दे पे मेरा साथ देना, मेरे लिए कुछ स्टैंड लेना, मेरे लिए कोई बात करना ज़रूरी नहीं समझा। पर उन्होंने दो कहानियां हैं, वो निष्पक्ष जांच चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर, पूरे मामले पर। निष्पक्ष जांच कैसे होती है? निष्पक्ष जांच तब होती है जब आप सीधे सीधे आरोपी को की मदद ना करें। आज पूरी की पूरी पार्टी की लीडरशिप और सारे रिसोर्सेज उस आरोपी को बचाने में लगे हुए हैं। आज मैं अकेली लड़ाई लड़ रही हूँ, तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? आप जो महिला जिसने कंप्लेंट करी, जिसके साथ इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया, जो कि आप ही के ड्राइंग रूम में मारा पीटा गया, उसको आप पूरी तरीके से अकेला कर देते हो। विभव कुमार के साथ पूरी की पूरी पार्टी लीडरशिप और खुद आप खड़े होते हो, फिर कैसे निष्पक्ष जाँच हो पाएगी?